अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के प्रयास में जुटी वाराणसी पुलिस को तब बड़ी सफलता हाथ लगी जब चेतगंज थाना पुलिस ने लग्जरी वाहन से जहरीली शराब का कारोबार कर रहे जहरीली शराब तस्करी के अंतरप्रांतीय गिरोह के दो तस्करों को 5 काली जर्किन में 250 लीटर अवैध ओपी 300 ढक्कन 300 पीस हॉलमार्क 85 अदेशी खाली शराब की शीशी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी व 4 अद कंपनियों के मोबाइल बरामद किए। ये जानकारी मिली थी मुखबिर से कि अवैध शराब बनाकर बेचने वाला गिरोह सक्रिय है और वो लोग ट्रैवल करके यहाँ से ले जाते हैं। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था, इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय चेतगंज और उनकी पूरी टीम लगी थी। कल रात्रि में लकड़ा मंडी तिराहे के पास से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पकड़ी गई थी और उसमें 250 लीटर कच्ची शराब जो बनाने के काम आती है, इसके अलावा और भी उपकरण उसके साथ मिले, सीसी खाली सीसी हॉलमार्क आदि मिला है। ये चेतगंज पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, दो लोगों की गिरफ्तारी किया गया है, एक का नाम ओम प्रकाश है, दूसरा धीरज है, ये लोग चौबेपुर के रहने वाले हैं। ये मिक्स करके, मैंने बताया है कि ये मिक्स करके बनाया जाता है और ये ओपी होती है, इसको और जहरीली करने के लिए इसमें यूरिया और भी जो इक्विपमेंट वो जो सामान होता है उसको लगा करके इसको इसकी तीव्रता तेज़ की जाती है और फिर सीसी में भर करके इसको बेचा जाता है। झंडा तो हमने अभी देखा नहीं है लेकिन गाड़ी पकड़ी गई है, ये लोग गुमराह करने के लिए ऐसा करते होंगे। यही कि पुलिस या और भी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको शक न हो और उसी के आड़ में ये ले जा करके इस तरह का हरकत करते हैं।